लंबे समय के बाद बिहार में टीचर्स का एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल रहा है। दरअसल जो राजकर्मी का जो मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर पूरे बिहार के अलग अलग हिस्सों से लोग यहां पहुंचे हैं। और आप हमारे साथ देख सकते हैं, ये जो शिक्षकों का जो विशाल हुजूम है वो आपको कैमरे के जरिए दिखाई दे रहा होगा। बिहार के अलग अलग हिस्सों से ये शिक्षक पहुंचे हैं। ये जो नियोजित शिक्षक हैं, जो पिछले 10 साल से 12 साल से हर तरह की जो शिक्षा विभाग में की जो सेवा होती है, जो जनगणना होती है, मतगणना होती है, सब तरह के जो काम में लोग शामिल हैं, आज वो यहाँ पटना में पहुँचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो शिक्षकों का जो आंदोलन है उसको जो माले ने खुले दिल से समर्थन दिया है। और इस वक्त जो स्टेज पर जो है माले के सभी 12 विधायक जो है वो आपको मौजूद दिखाई देंगे। माले विधायक दल के जो जो नेता है महबूब आलम वो मौजूद है, जो संदीप सौरभ है वो मौजूद है, और जो दूसरे जो विधायक हैं वो सारे लोग यहाँ पे मौजूद है। दरअसल कल महागठबंधन की एक बैठक हुई थी और महागठबंधन की बैठक में भी जो लेफ्ट पार्टियां हैं, खासकर जो माले है, उसने साफ साफ कहा था कि जो नियोजित शिक्षक का जो मुद्दा है, जो राजकर्मी का जो मुद्दा है, उस मुद्दे को सुलझाना होगा। तो ये जो बात है इसको लेकर जो है अब जो है शिक्षकों का जो है आंदोलन शुरू हुआ है। हम लोग को यही कहना है कि 4.5 लाख बिहार के जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक, उनको सरकार न्यायपूर्ण तरीके से बिना कोई शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दे, अन्यथा सड़क से लेकर के सदन तक जो आंदोलन चल रहा है वो और तीखा होगा। आज जितनी संख्या में लोग उतरे हैं, ये समझिए कि स्कूल से सीए लेकर के जो 30% ही होता है, लेकिन अगर छुट्टी के दिन शिक्षक निकल गए तो बिहार में पटना की सड़कें पर जगह नहीं बचेगी। इसीलिए सरकार इसकी गंभीरता समझे। और अभी फिलहाल हमारी बात हुई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कल महागठबंधन की बैठक में, तो कहा गया है कि 14 के बाद मीटिंग होगी। तो ये माना जा सकता है कि अब जबकि जब विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद का जब सत्र खत्म होगा, जो जो नियोजित शिक्षक है जिनकी संख्या 4 लाख से ज्यादा है, उनके पक्ष में बिहार सरकार कोई न कोई फैसला कर सकती है। ये क्या लगता है, अभी सभी 12 विधायक पहुंचे हैं, कुछ पॉजिटिव होगा 14 तारीख के बाद? निश्चित रूप से होना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, और तेजस्वी यादव भैया जो हम लोगों के हैं वो मुख्यमंत्री का सपना छोड़ दें। अगर वो हम लोगों की बात नहीं सुनेंगे तो वामपंथी पार्टियां हम लोगों के समर्थन में है, कांग्रेस हम लोगों के समर्थन में है, महागठबंधन में सारे लगभग सारे दल समर्थन में है, बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी हम लोगों के समर्थन में है, तो समझिए कि बिहार में कितनी बड़ी क्रांति आने वाली है। और ये जो है जो जेपी का आंदोलन हुआ था 74 वाला, उससे बड़ा आंदोलन हो जाएगा। आप एक साथ अभ्यर्थियों से, शिक्षकों से सबसे टकराने का, बिहार के आम आवाम से टकराने का काम कर रहे हैं। सत्ता के मद में इतना चूर नहीं होना चाहिए। तो साफ तौर से जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो जो नियोजित शिक्षक है वो कह रहे हैं कि अगर बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार ने उनकी मांग नहीं मानी, तो जो जयप्रकाश का जो आंदोलन, जयप्रकाश जी ने जो आंदोलन किया था 1974 में, उससे भी बड़ा आंदोलन हो सकता है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज पटना।